अयोध्या में नव निर्मित मंदिर और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए देश विदेश के कई मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। इस समारोह में कई बीवीआईपी और कई वीआईपी शिरकत करेंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था टाइट रहेगी। ऐसे में सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सभी मंत्री 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक अयोध्या में ही रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। पांच सौ साल बाद ये दिन देखने को मिलेगा हम लोगों को, जब राम मंदिर, भगवान श्री राम अपने सही ठिकाने पे, जहाँ पे पहले मंदिर था गर्भगृह में, वहाँ प्रतिष्ठित होंगे। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी जी उस दिन एक साथ इस काम को करेंगे। और इस काम के लिए ये मोदी योगी की सरकार थी जिसमें ये काम इतनी शांतिपूर्वक हो गया, वरना 500 साल तक इस कार्य के लिए जाने कितनों ने कुर्बानियाँ दी, जाने कितने लोग मारे गए, बहुतों ने जेल काटी, यातनाएं सही। हमें खुशी है कि 500 साल बाद ये दिन हमें देखने को मिलेगा। देखिए, त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, लेकिन कलयुग में 550 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा हमको करनी पड़ी। भगवान श्री राम ने यहाँ पर 550 वर्षों का लंबा वनवास भोगा, उनको टाट में रहना पड़ा, लेकिन अब जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास ख़त्म हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और जितने भी पूरे भारत में सनातनी हैं, उन सबकी भी प्रतीक्षा अब ख़त्म हुई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस भव्य आयोजन के लिए लगा दिया है। चूँकि सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से भी कई हमारे गणमान्य अतिथियों का आने की संभावना है।